जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5 नंबर न्यू कराची। यहाँ पे बेहतरीन जो मार्केट है वो सजाई गई है। यहाँ पे जो गाय बैलों को सजाया जाता है, उनके जो मोहरे लगे हुए हैं यहाँ पे, वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे उनके जो दुकान का जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कस्टमर इसमें ख़रीदारी में इजाफा हुआ है कोरोना लॉकडाउन के बाद, या कितनी बेसबाजी इनके बीच में चलती है और ये कितने तक का एक एक मोहरा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मेरा नाम दिलशाद है। दिलशाद, क्या कहेंगे और कितने अरसे से ये आप लगाते हुए आ रहे हैं? तकरीबन ये 15 साल से हम काम कर रहे हैं इसका, मोहरों का ही, और 15 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं सारे भाई मिल के। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें सिर्फ आपके पास मोहरे ही होते हैं? जी मोहरे होते हैं, और जो इनका जानवर का चारा और दाना होता है वो भी हम लोग रखते हैं, ये दुकान पे होता है हमारे। ये मोहरा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कितने का? ये हमने कम से कम जो है 2000 रुपये तलक का भी बेचा है, और महंगा जो है 8000 रुपये तलक का भी है। यानी ये वाला मोहरा 2 से लेके 8 से 10 हज़ार रुपये तक का है? जी हाँ, ये इसमें किस्में होती हैं, दानों में और हाथ की कढ़ाई में होता है फ़र्क, बस यही होता है, इसलिए 8000 और 2000 का फ़र्क आता है। तो कस्टमर जब आपसे आते हैं तो बहसबाजी करते हैं किसी चीज़ की, या मुतमिन होकर जो आप दाम बताते हैं वो लेके चले जाते हैं? नहीं, वो कस्टमर तो कस्टमर है ना, थोड़ी बहुत तो जिस बहस करेगा, 19-20 करते हैं, उनमें हमें देना पड़ता है, करना पड़ता है, थोड़ा सा किसी के साथ कम करते हैं, किसी से उससे अगला ले लेते हैं, हम इसी तरह करते हैं, काम तो काम है ना। चले, और किसी किस्म का कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे, कोई तंग तो नहीं करता पुलिस वगैरह या भत्ताखोरी वगैरह जो लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। 50 मन 60 मन मोस का बिक जाता है। तो किसी किस्म की टेंशन तो नहीं है? टेंशन नहीं है, जब बारिश आ जाती है माल खराब हो जाता है हमारा। तो ज़्यादा काट देते हैं? नहीं ज़्यादा नहीं काटते, माल खराब हो जाता है। और कोरोना के बाद जो काफ़ी कमी थी, तो अब बेहतरी हुई है, उसके बारे में क्या? नहीं हुई है, लेकिन आपके जो बात पहले थी ना वो बात नहीं है। आप कितने साल से लगा रहे हैं? हमारे को हो गए माशाल्लाह 7-8-9 साल हो गए हमारे को। जी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे जो छुरियों को धार लगा रहे होते हैं एक साहब हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका इनके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद जाहिद कुरैशी। कुरैशी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? धारे लगा रहे हैं भाई। अच्छा, ये कितने की धार लगाते हैं? 100, 120 जैसे ग्राहक दे जाए वैसे ले लेते हैं। अच्छा, तो ये कब तक चलेगी धार इसकी? ये ईद सुबह तक चलेगी, 82-83 तक चलेगी धारे तो। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी एक धार में लगवा के जाता हूँ अपनी छुरी को, तो एक जानवर ज़बह करने पे ख़त्म हो जाएगी या वो 2-3 दिन चलेगी? भाई ये चलने को तो ये 4-5 जानवरों पे भी चलेगी, अगर इस पर कील वगैरह औजार धार से धार नहीं टकराए तो ये 10 भी काट देगा, और जैसे इस पर अगर लग जाए धार पे कोई चीज़ लोएगी तो फिर वो बेकार हो जाता है, एक भी नहीं बना सकता ये बात। अच्छा, एक जानवर के लिए कितनी वो बनवा के जाते हैं, एक ही छुरी चाहिए? हाँ, ये छुरी कील और ये छुरा, बस 3 चीज़ें। अगर 3 जानवर जबा कर रहा है कोई तो इससे भी 3 भी कर सकते हो, ये तो आपके औजारों के ऊपर बात है ना, औजार सही होगा 10 भी काट दोगे, औजार सही नहीं होगा 1 भी नहीं काटोगे। अच्छा, अगर औजार दिन में काम करना छोड़ देता है तो फिर उसी दिन बंदा आ जाएगा दोबारा धार लगवाने? लाजमी बात है, जब औजार खराब हो गया या तो किसी का लेगा या तो फिर आएगा बनवाने भाई। तो कस्टमर आपको खुशी से पैसे देके जाते हैं या बहसबाजी होती है यहाँ पे कि इतने नहीं इतने लिया करें? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भाई मैं 5 दिन से बैठा हुआ, कोई कस्टमर ऐसा नहीं आया जिस बेचारे ने करी हो, जायज पैसे ले रहे नाजायज ले नहीं रहे, जो कोई बोले कि यार इतने ले लो इतने ले लो भाई, ये 150 कम करके खुशी से ले आ रहा है आदमी। जी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ एक जगह पे मौजूद है जहाँ पे छुरियाँ बेची जाती हैं, वहाँ पे हमने वो दिखाई थी जगह जहाँ पे छुरियों को धार लगाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे वो दुकान है जहाँ पे छुरियाँ बेची जाती हैं, तो उन दुकानदार साहब से हम बात करेंगे, देखते हैं उनका इनके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर भाई, क्या कहेंगे ये छुरियों के हिसाब से, ईद का सीजन आ रहा है तो इसमें बाकी 1-2 दिन जाके गालबन बचे हैं, तो इस हवाले क्या कहेंगे, कितने तक का ये मिलता है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास? सारी चीज़ें माशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, जो चीज़ चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हमारे मौजूद हैं, मुख्तलिफ बैठे जैसे छुरी है ऐसे पैसे माशाल्लाह उसमें। छुरी कम से कम आपके पास कितने से और कहाँ से शुरू होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक चलती है? तो
छुरी हमारे पास 250 रुपए शुरू हो रही है, तकरीबन 3000 रुपए तक की छुरी है हमारे पास मौजूद है। और उससे कम क्वालिटी वाली भी छुरी यही है हमारे पास, हाई लेवल पे 3000 रुपए तक की छुरी है। छुरी के अलावा क्या है? छुरी के अलावा हमारे पास मशीनें कीमत निकालने वाली और टिक्का बोटी बनाने की, बारबेक्यू वालों का आइटम है हमारा, तमाम मशीनें कीमत निकालने वाली और बहुत सारी चीजें अलहमदुल्ला। इसके इसको क्या कहते हैं ये जो लगे हुए के अलावा? छुरियाँ भी हैं, चापड़ भी हैं, छुरे भी कहते हैं, चापड़ भी कहते हैं, ये हड्डी वड्डी वगैरह काटने के काम आते हैं इसमें। तो छुरियाँ सिर्फ ज़िबा करने के लिए होते हैं और चापड़ हड्डी काट हड्डी काटने के लिए चापड़ होते हैं और ज़िबा करने के लिए खाल वाल वगैरह उतारने के लिए वो छुरियाँ होती हैं। कस्टमर हजरात में इजाफा हुआ है कुछ? माशाल्लाह सही है, लेकिन पहले की बात बहुत सीरो है कारोबार। आप ईद के दिन भी खुले रहेंगे, दूसरे तीसरे दिन? तकरीबन पूरे हफ्ते खुले रहेंगे, ईद के बाद भी खुला हुआ पूरा हफ्ता। अच्छा, कस्टमर हजरात से कोई किसी किस्म की बहसबाजी या कोई वो तो नहीं होती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन माहौल है माशाल्लाह से। और रकम आप जो मानते हो, जो छुरी की प्राइस या कीमत आपने लगाई है, उस हिसाब से पैसे दे के जाते हैं माशाल्लाह? पूरा 19-20 हो जाती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राहक भी अच्छे हैं माशाल्लाह से, और दुकानदारी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे को प्रॉफिट करते हैं। जी बहुत बहुत मेहरबानी सरकार ने इसका टाइम देने का। जाने नाजरीन, ये था लोगों का मौकफ, हमने आपको दिखाया और ये पूरी रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाई, जिस तरीके से यहाँ पे कराची के अंदर जानवरों को लिया लेकर आया जाता है और जिस तरीके से यहाँ पे ज़बह किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे बांधा जाता है, जिस तरीके से घास लिया जाता है और उनको सजाया जाता है, सारी चीज़ें हमने दिखाई। कैमरामैन मुराद खासकली के साथ वली मोहम्मद खासकली, सरकार न्यूज़ कराची।